मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक नया पैंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया। कहते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि वफात के बाद तदफीन अहलिया रुबीना कुरैशी के करीब की जाए, जो जुलाई 2022 में चल बसी और अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में मदफन। अब मुस्तफ़ा कुरैशी दावा करते हैं कि उनकी अहलिया की कबर के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया था। अहलिया की कबर का मुआवजा महकमा सकाफत सिंध ने अदा किया, जो कि महकमा अवकाफ को दिया गया, और वो समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में डाल। मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि मरने के बाद उन्हें भी अहलिया के करीब दफनाया जाए और अब वहाँ एक ही कबर की जगह बची है जो उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रखी है। उन्होंने कबर की जगह पर पत्थर रखा है जिस पर लिखा गया है रिजर्व बराए मुस्तफ़ा कुरैशी, जबकि इन्हें भी कबर के लिए 5 लाख रुपए देने हैं और फिलहाल उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपील की है कि फनकारों से कबर का मुआवजा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी जगह के लिए पैसे जरूर देंगे।